नमस्कार, मैं राजकुमार श्री अरविंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIAEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से बता रहा हूँ, जिसका शीर्षक है छात्र बाजार। बाजार के अंदर कई बातें ऐसी होती है जो बच्चों की बुक से मेल खाती है, जैसे व्यापार से संबंधित सभी प्रश्न बाजार के रियल उदाहरणों की सहायता से समझाए जा सकते हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, बट्टा, साथ ही साथ बार्गेनिंग जैसी कई बातें होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, इंग्लिश के कई वर्ड्स होते हैं जो मार्केट के उदाहरणों से बच्चों को बहुत आसानी से प्रैक्टिकल नॉलेज के माध्यम से सिखाए जा सकते हैं। नवाचारी शिक्षक ने इस बात को ध्यान में रखते हुए बच्चों में कुछ नया क्रिएटिव करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट के पीरियड में बच्चों को कई ऐसी चीजें बनाने के लिए कहा जिन्हें वो अपने छात्र बाजार में बेच सके। अब बच्चों ने, सभी ने प्रैक्टिस करते हुए कई बहुत नए नए तरीके के उदाहरण चीजें बनाई और उन चीजों को उन्होंने एक दिन डिसाइड किया जिसमें जिन्होंने ये चीजें बनाई उन्हें शॉपकीपर का पद दिया गया और जो बच्चे जिन्होंने कम चीजें बनाई है, जिन्होंने नहीं बनाए हैं, उन लोगों को कस्टमर का नाम दिया गया। बच्चों को कहा गया कि उस दिन छात्र बाजार लगाएंगे विद्यालय के अंदर, आप लोग कस्टमर रहेंगे, आप लोग शॉपकीपर्स रहेंगे, इन्होंने अपनी चीजें बनाई है, आपको कागज की कुछ मुद्रा रूप के में पेज को कटिंग करना है और उसके ऊपर संख्याएं लिखनी है, वो नकली मुद्रा आपको देनी है और इनके द्वारा बनाए हुए सामान को खरीदना है। आप बाजार में अपने माता पिता के साथ जाते हैं तो क्या क्या बातें होती है आपको ध्यान रखते हुए वो सारी बातें करनी है, किस प्रकार से आपके माता पिता वहां पर बात करते हैं आप यहाँ पर सामने प्रस्तुत करेंगे। और बच्चों ने बहुत अच्छे से इस पे काम किया, उन्होंने वहां कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्कआउट किया, बार्गेनिंग करने का काम सीखा, साथ ही साथ क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, लाभ कितना हुआ, हानि किसे कह रहे हैं और किस प्रकार से मार्केट के अंदर उन्हें कन्वर्सेशन करना चाहिए और साथ ही साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जोड़ बाकी गुना भाग, ये सब चीजें भी बच्चों ने बहुत अच्छे से सीखी। यह एक रोचक गतिविधि है, इसके माध्यम से बच्चों को कई नई चीजें बच्चों को सिखाई जा सकती है। नवाचारी शिक्षक ने इसे रेगुलर प्रैक्टिस बना ली, हर महीने के अंदर सेकेंड सैटरडे वाले दिन इस गतिविधि को कराया जाता है। कुछ बच्चों के तो अभिभावकों को भी इसमें बुलाया जाता है जो इससे प्रेरित होते हैं और यदि उनके बच्चे रेगुलर नहीं आ रहे हैं तो वो अपने बच्चों को इसमें रेगुलर भेजना शुरू कर देते हैं। हम आशा करते हैं आपको यह गतिविधि पसंद आई होगी, आप भी इसे अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारे YouTube चैनल ZIAEI को सब्सक्राइब करें। यदि आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को अवश्य लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।